सबसे पहले तो स्वागत है आपका घमासान.com में। जी धन्यवाद जी। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आज जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, भाजपा के पक्ष में जो नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, ये जिस तरह पूरे देश का और मध्य प्रदेश का वातावरण था जी, या जिस तरह मोदी सरकार के प्रति और मोदी जी के प्रति जो लोगों की भावना थी जी, उसका प्रकटीकरण इस अंदाज में होगा, मध्य प्रदेश में इसकी कल्पना नहीं थी जी। मुझे लग रहा था कि इंदौर की 2-2.5 लाख से जीतेंगे, किंतु एक बहुत बड़ी विक्ट्री इंदौर की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को दी है जी। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, उनका काम तो है ही साथ साथ में इस कमलनाथ सरकार की जो 5-6 महीने की नाकामी है, जो उन्होंने अपने वादे किए थे घोषणा पत्र में, वो सारे वादे उन्होंने झूठे निकले कि हम 10 दिन में किसानों का ऋण माफ कर देंगे, हम 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो कहीं ना कहीं उनका वादा खिलाफ भी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं उसके प्रति लोगों की भावना थी। जिस प्रकार से जो भी नतीजे हैं, आप हमारे सामने जो भी नतीजे आए हैं, तो उस पर आपको क्या लगता है कि ये भाजपा की जीत है या ये मोदी की जीत है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का काम जी और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाखों यशस्वी कार्यकर्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति लेकर जनता के बीच में जाते हैं, प्रधानमंत्री का काम को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं जी, उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है जी। सर, इसके अलावा आप भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए, ये एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा बात है कि दोबारा कोई सरकार पूर्ण बहुमत से इनके आए तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करे जी। तो ये तो इस देश में 35-40 साल पहले हुआ था, उसके बाद अब संभव हो पाया मोदी जी के नेतृत्व में। तो कुल मिला के ये हमारे प्रदेश का नेतृत्व, हमारे राष्ट्र का नेतृत्व, हमारे राष्ट्र के रणनीतिकार अमित शाह ने जिस प्रकार पूरे देश में जमावट करी, पूरे देश में जी। धन्यवाद सर, बने रहिए घमासान.com के साथ ऐसे ही। नमस्कार। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।